गाजियाबाद पुलिस फुल फॉर्म में दिखाई दे रही है और बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। विजयनगर इलाके में छात्रा के साथ हुई लूट का खुलासा करने के साथ साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले ऑटो लिफ्टर गैंग के 5 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 1 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया और 4 बदमाशों को पुलिस ने भागते हुए पकड़ लिया। इसी बीच 1 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। ठीक है सर, ऑटो गैंग और गाजियाबाद पुलिस में मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ घटनाक्रम है और सर कितने बदमाश हैं जो पकड़े गए हैं और कितने घायल हैं? थाना विजयनगर में अब से कुछ देर पहले 100 नंबर पर सूचना प्राप्त हुई थी। एक महिला द्वारा ये बताया गया था कि वो ऑटो में बैठ के जा रही थी, तभी उस ऑटो में बैठे हुए जो व्यक्ति थे वो उसके साथ लूटपाट करने लगे और उसने फिर एक सुनसान जगह पर उतार दिया था। इस सूचना पे थाना विजयनगर और पूरे नगर क्षेत्र के पुलिस फोर्स को अलर्ट किया गया और घेराबंदी की गई। जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पे ऑटो का कुछ डिजिट महिला ने देख लिया था नंबर के, उसके आधार पे घेराबंदी की गई। तो एक स्थान पर जाके ये ऑटो मिला और उसमें जो बदमाश थे उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग पुलिस पार्टी द्वारा की गई, इसमें 1 बदमाश घायल हुआ है और बाकी 4 और उसके साथी पकड़ लिए गए। 1 वहाँ से मौके पर भागने में फरार वहाँ से फरार हो निकला है, उसकी खोजबीन अभी की जा रही है। कोम्बिंग पार्टी हमारी वहाँ निकली हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने ये बताया है कि ये ऑटो में सवारी बैठा कर कई दिनों से घटना कर रहे हैं, नोएडा से बैठा कर गाजियाबाद या अन्य क्षेत्र में ला के ये सवारी को उतार देते और इनसे विस्तृत पूछताछ अभी की जा रही है। सर, जिसके गोल लगे कौन बदमाश है, क्या नाम है और सर क्या उसका आपराधिक इतिहास कुछ सामने आया है? देखिए, अभी इसने अपना नाम राजू उर्फ बहादुर बताया है। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया है कि इसमें पहले के भी मुकदमे हैं गाजियाबाद के और NCR के, और अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। बाकी जो सभी लोग हैं उनसे भी विस्तृत पूछताछ अभी की जा रही है। सर, क्या कुछ बरामद हुआ है बदमाशों और कितनी फायरिंग यहाँ पुलिस और बदमाशों भी सुना? अभी मौके पर फॉरेंसिक टीम हमारी पहुँच रही है, वहाँ से सारे जो भी कारतूस वगैरह है उनको वहाँ से कलेक्ट कर रही है, एविडेंस कलेक्ट कर रही है, उसके बाद ही सर ऑटो गैंग की बात करें, इससे पहले भी कई सारे वारदातें अंजाम दे चुका था, टारगेट पर महिलाएं रहती हैं, तो सर क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या ये वही गैंग है जो पहले भी वारदात अंजाम दे चुका है या कुछ इस तरह के गैंग और भी सक्रिय है सर? हाँ, जैसा मैंने बताया कि अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये महिलाओं के साथ पहले भी घटना कर रखे हैं, अभी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी तक जो इन्होंने बताया है उस हिसाब से हम सारे एविडेंसेस कोरोबरेट करते हैं। सर, और भी कुछ गैंग होंगे इस तरह के जिनके मतलब गाजियाबाद पुलिस तैयार है, कुछ तैयारी की जा रही है? देखिए, 2 गैंग पूर्व में भी पकड़े जा चुके हैं निकट बहुत ही हाल फिलहाल में ही, और एक और ये गैंग आज पकड़ा गया है। यदि और ऐसी किसी गैंग की सूचना आती है तो उसमें हम बात करेंगे।